नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई अमेरिका जॉब से रिलेटेड। जी हां साथियों, बहुत सारे लोगों के कमेंट मेरे पास आते हैं, व्हाट्सअप आते हैं, सर इस वीज़ा को चेक कर दो, ये ऑफर लेटर अमेरिका से आया है, सर फलाने के पास काम आया हुआ है। वीडियो पूरा देखिएगा भाई, आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा इतना लगेगा कि पूछो ही मत। आप इतना आगे मैं पूरी बात बताऊंगा आपको कि लोग अमेरिका इटली तो आजकल लोग नॉर्मल समझने लग गए, क्योंकि इटली में कोरोना ज़्यादा हो गया ना। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा हमें जाना है, सिंगापुर जाना है जी। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो उन लोगों के लिए कामकारक हो सकता है जो विदेश जाने की सोच रहे हैं यूरोपीय कंट्री में। जी हाँ साथियों, मैं बात करूँगा अमेरिका से रिलेटेड। 161 भारतीयों को अमेरिका ने पकड़ के जेल में डाला हुआ था, अभी इंडिया भेज रहा है। जी हाँ साथियों, आजकल में वो पहुंच जाएंगे। इससे रिलेटेड आगे बढ़ने से पहले चाहूंगा, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक जरूर कर लें, ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड सही इंफॉर्मेशन यहां पे मिलती रहे। तो देखिए साथियों, मैं बता दूं आपको अमेरिका की स्थिति, इंडियन लोगों की स्थिति है कि वो गल्फ नहीं जाना चाहते। दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन कचरा है एक तरफ। क्या बचता है यार, 20-30 हज़ार रुपए में क्या होता है, यहीं कमा लेते हैं वो इतना तो। जबकि सच्चाई है कि वो यहाँ 5 हज़ार भी नहीं कमा रहे होते हैं, या फिर हो सकता है भाई ज़्यादा पैसे वाले जाते होंगे। यानी ये जो यूरोपीय कंट्री में लोग जाते हैं ना, ये पैसा तो खर्च करते ही करते हैं, अपने घर को बर्बाद करना, खुद बर्बाद होना, बाकी इंडियन की रेपुटेशन ख़त्म करते हैं, इंडियन लोगों की और इंडिया की। जी हाँ साथियों, मैं बताऊँगा आगे कि वो आगे जाके वहाँ बहाना क्या बनाते हैं। देखिए मैं बता दूं, 2018 में अमेरिका ने लगभग 650 से प्लस लोगों को पकड़ा था इंडिया अमेरिका में, जिनको वापस इंडिया भेजा, जो 2019 में बढ़ के 1650 से ऊपर हो गए। जी हां साथियों, यानी 1650 लोगों को पकड़ के वापस इंडिया भेजना कोई छोटी बात नहीं है, और वो भी अमेरिका से। जी हां साथियों, ये टोटल लोग इलीगल थे, अवैध तरीके से, जो मेक्सिको की जो एक दक्षिणी सीमा लगती है वहाँ से ये लोग तारों के नीचे, वो एक बोलते हैं ना बड़ी दीवार है, उधर से ये लोग घुसते हैं इलीगल तरीके से, इनके टोटल एजेंटों से सेटिंग होती है। जी हां साथियों, तो ये लोग क्या करते हैं कि उत्तरी अमेरिकी पंजाब संघ में एक अधिकारी हैं सतनाम सिंह जी, ये प्रोसेस वो देख रहे हैं, वो ये उनका यही काम है कि जो फंसे हैं उनकी कोई संस्था है वो यही काम करती है। तो उन्होंने ये बताया कि हकीकत में देखा जाए टोटल 1800 लोग हैं, टोटल 1800 लोगों में से मात्र 161 लोग ये आ पा रहे हैं, बाकी का कोई अता पता नहीं है वो कौन सी जेलों में है। अमेरिका की 95 जेलों में इंडिया के 1800 के लगभग के ये लोग बंद हैं, जिनकी स्थिति ये थी कि 30 से 35 लाख रुपए देके ये अमेरिका पहुंच गए थे इलीगल तरीके से, जिनमें 3 महिलाएं भी हैं, एक 18 साल का, 19 साल का हरियाणा का लड़का है। तो मैं ये बता दूं आपको कि कौन से स्टेट से कितने कितने लोग हैं। भाई देखिए, सबसे ज़्यादा हरियाणा के हैं। हरियाणा में तो आपको पता है ज़मीन जायदाद वाले पैसे वाले लोग होते हैं, तो 2 किलो 3 किलो बेच के पहुंच जाते हैं अमेरिका कनाडा। इनका खर्चा पता है कितना है, एक बंदे ने बोला है कि हम 30 से 35 लाख रुपए अमेरिका के लिए खर्च करके वहां पहुंच गए। तो आप देख लो, ज़मीन बिके बिना तो इतना पैसा कहां से आएगा, या जिनके खाते में पड़े हैं वो तो जाएगा नहीं तारों के नीचे निकल के। 76 हरियाणा के थे, 56 आदमी पंजाब के थे, 12 आदमी गुजरात के थे, 4 आदमी यूपी के थे, 4 आदमी महाराष्ट्र के थे, और 2-2 आदमी केरला, तेलंगाना और तमिलनाडु और गोवा के 2-2 आदमी थे। जी हाँ साथियों, ये इतने आदमी थे जिनको एक दो दिन के अंदर 161 कैदियों को अमेरिका ने रिहा कर दिया है, वो एक दो दिन में अमृतसर लैंड करेंगे। जी हाँ, स्पेशल फ्लाइट से उनको वंदे मातरम मिशन के तहत लाया जा रहा है, ऐसे नहीं ला रहा जा, उनके तहत ला रहा जा रहा है। और इसका भी एक रीज़न ये है, कोरोना महामारी, अगर कोरोना महामारी नहीं होती तो इनको भी नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि अभी तो अमेरिका में वैसे ही लोग मर रहे हैं, तो वो सोचते हैं निकालो इनको, वरना हमारे और जिम्मे आएगी, गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है। ये तो ये बात हो गई। अब ये लोग इंडिया को बदनाम कैसे करते हैं, मैं बता दूं, हमारी कम्युनिटी को, हमारे धर्म को, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू होता है या मुसलमान होता है या कोई भी कास्ट का होता है, वो वहाँ जाके, आपको पता है ये एजेंटों के थ्रू होता है पूरा, 2 नंबर में काम चलता है, यहाँ का एजेंट से वहाँ से भी सेटिंग होती है, इनके अधिकारियों के साथ सांठ गांठ होती है। 30 से 35 लाख रुपये वरना किसके लगते हैं भाई, वीज़ा तो ये कौन सा लेते हैं, वीज़ा का तो 1180 डॉलर लगता है अमेरिका का, वीज़ा का पैसा थोड़ी लगता है, पूरा पैसा सेटिंग में चला जाता है इनका। तो ये वहाँ कैसे भी कर करा के अंदर से घुसा देते हैं, फिर वो शरणार्थी जिसको बोलते हैं रिफ्यूजी, नाम सबने सुना होगा, ये वहाँ जाके रिफ्यूजी बनने की कोशिश करते हैं कि हमें इंडिया में खतरा है। मुसलमान बोलता है हमें हिंदू से खतरा है, हिंदू बोलता है मुझे मुसलमान से खतरा है, या फिर और भी कास्ट, अदरवाइज कोई भी कास्ट, कि हमें वहाँ पर जातीय हिंसा, अहिंसा या किसी भी प्रकार की हमें हमारी जान को खतरा है, इसलिए हमें आपके शरण में आए हैं, हमें शरण दे दो आपके देश अमेरिका में। इसके लिए मन में सोचते हैं कि हमने 30 से 35 लाख पीछे वालों को दिए हैं, आपके पैर पड़ते हैं, हमें यहाँ निकाल, यहाँ रख लो। यानी आपको पता है कोर्ट में
में उनको सब कुछ केस कोर्ट में जाता है, रिफ्यूजी ऐसे डायरेक्ट जाते नहीं मिल जाता, कोर्ट में केस जाएगा, सुनवाई होगी, तारीखों पे जाना पड़ता है। लेकिन एक बात बताऊं मैं तारीखों पे, अब वहाँ के जज जो न्यायाधीश है ना वो भी भाई समझदार हो गए, जस्टिस पागल नहीं है अमेरिका के, उनको पता है कि यार एक्चुअल में होता क्या है कि ठीक है एजेंट उनको बोल देते हैं कि हम आपको ऐसे ऐसे करके रहे ऐसे ऐसे कर देंगे, लेकिन सच्चाई क्या है, एक जज होता है, लॉयर होता है, वो पढ़ा लिखा बंदा है कानून का, उसको दिमाग में नहीं आती कि बंदे झूठ बोल रहे हैं, एविडेंस नहीं दे पाते, संतुष्ट नहीं कर पाते एजेंट जस्टिस को, न्यायाधीश को, तो वो फिर क्या करते हैं, इनकी फाइल रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप हमें सर्टिफाइड नहीं कर सकते। तो इस वजह से इन लोगों को फिर पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है और फिर वहाँ से निकल निकल के धीरे धीरे आते हैं और बर्बाद हो आके मैटर ख़त्म हो जाता है। इंडिया को बर्बाद इसलिए करते हैं कि हमें जातीय हिंसा हो रही है, हमें लोग मार रहे हैं वहाँ पे, हमारे घरों पे कब्जा कर लिया, हमें जातिवाद के नाम पे मारा जा रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, हमारा साथ बलात्कार हो रहा है, इसलिए हम हमारे देश से भाग के आपके पास शरण के लिए हैं। तो बदनामी तो है ना, लगभग जो लोग आ रहे हैं ना इसी तरह की, इन्होंने शरण मांगी थी अधिकारियों ने, इंडिया के जो सतनाम सिंह जी वगैरह एक पवन जी, उन्होंने बोला है कि ऐसे वो मानव तस्करी के अंडर आता है ये काम, तो पंजाब सरकार से भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, इन एजेंटों के खिलाफ, कि वो इस तरह से बचें, इन लोगों को बचाया जाए, मानव तस्करी के तहत मुकदमा दर्ज। मैं तो बोल रहा हूँ एनएसए डालो, सालों को जमानत ही नहीं होने दो, क्या है ये, अब अफसोस की बात है यार, गलत नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, अब लोग जमीन जायदाद बेच बाच के अमेरिका का सपना लेके पहुंच जाते हैं, साल दो साल से जेल में होके आते हैं, ये स्थिति हो रही है। तो अमेरिका जाने वाले से पहले भाई ये थोड़ा सा मेरी बातें सुन लें, आपको और भी बहुत सारी नॉलेज कर लें पहले, ऐसे नहीं कि आप अमेरिका पहुँच जाएंगे, इतना आसान नहीं है, अमेरिका ऐसे थोड़ी जाया जाता है। तो साथियों मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, खास तौर से यूरोप कंट्री जाने वाले, अमेरिका, यूएसए, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया जाने वालों की खास तौर से मैसेज है, अपने भाइयों को भी फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि उनका भी जो नशा है ये यूएसए का लाखों रुपए कमाने का ये उतर जाए, यहाँ अपनी मजदूरी कर लें या फिर गल्फ कर लें तो फायदे में रहोगे। ठीक है साथियों, आज की जानकारी इतनी थी, आगे नेक्स्ट वीडियो पर जैसे जानकारी मिलती है हम आगे बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।